कि सरकार को हिलाए बिना हम नहीं रहेंगे। हमारी ताकत, हमें ये समझना जरूरी है कि बोनस एक सवाल नहीं है, आपका पे कमीशन एक सवाल नहीं है, ऑटोनोमस बॉडीज को मिलता है या नहीं ये सवाल नहीं है, हम पर राज कौन करता है, किन के गुलाम, किन के नौकर आपके लिए प्रधानमंत्री बन के बैठे हैं। जब तक उन लोगों के हितों के साथ आपका टकराव है, हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, लड़ाई करते रहना चाहिए। तब तक ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। असली राजा जो है, असली जो नेता जो है, वो तो बम्बई में आशियाना बिल्डिंग में 27 मंजिला बिल्डिंग में बैठे हैं। उनके और आपके हितों में टकराव है, हम मेजोरिटी में हैं, हमारी ताकत है कि हम इनको बता देंगे कि तुम कुछ नहीं हो, हम सब कुछ हैं। हम सरकार को कहेंगे कि अगर हम नहीं, मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं। हम जब तक हैं, इस देश का छोटा नागरिक जब तक है, जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे, जब हम ये समझ लेंगे कि सरकार की नीतियां और उनके जो आकाएं हैं उनके साथ हमारा टकराव है, तब तक हमें लड़ाई करनी पड़ेगी। हम लड़ाई करते रहेंगे और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं और कहता हूं कि ऐसा ही जुस्सा, ऐसी ताकत आगे भी दिखाते रहिए, क्योंकि लड़ाई अब अकेली एक पे कमीशन की नहीं है, इसकी भी नहीं है, बोनस की भी नहीं है, ये छोटे छोटे सीमा चिन्ह हैं, छोटे छोटे पड़ाव हैं कि यहाँ ये लड़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो आखिरी लड़ाई तो आगे जाके होने वाली है, इसके लिए आप तैयार रहिए। धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।